नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय कर्ण कमल बीजेपी ऑफिस करनाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी जो हैं आप देख रहे हैं, ये हाथ में उनके तीर्थ यात्रा से पहले जो बैग्स यहां पर दिए गए हैं आप देख सकते हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो खुद यहाँ पहुँचे हैं और बस को हरी झंडी दिखाकर जो है बता दें तो अयोध्या की ओर जो है ये बस जो है ये निकलने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो इस बस के अंदर लगभग 48 लोग जो हैं वो इसमें सफ़र करेंगे, और अयोध्या जो है ये बस निकलने वाली है। और इस योजना में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो कि करनाल के सेक्टर 9 के अंदर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर नारियल जो है वो फोड़कर इसकी शुरुआत की जाएगी, इसका शुभ आरंभ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस करनाल से आपको तस्वीरें दिखाते हुए सभी लाभार्थी इस समय बस के अंदर जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी को एक एक बैग भी दिया गया है, और देख सकते हैं पूरी तैयारियाँ यहाँ पर आज की गई थी इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर, और साथ साथ देख रहे हैं जो भेजेंगे इतनी जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, तो कैसा लग रहा है भगवान से जी आज दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान से दर्शन करने जा रहे हैं, जय श्रीपति रामचंद्र महाराज की। तो आप देख सकते हैं जो पीछे महिलाएं हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। देख सकते हैं जो सभी जो लोग हैं वो इस समय बस के अंदर जाते हुए, और देख सकते हैं इसकी शुरुआत पीछे की ओर। देख रहे हैं तैयारियां जो है वो किस तरीके से की गई हैं, मुख्यमंत्री जो है वो अभी यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, और अब सिर्फ इंतज़ार है कि यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचकर नारियल फोड़कर जो है वो इसका शुरुआत करेंगे। लोग लगातार देख सकते हैं अंदर की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बता दें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय देख सकते हैं बस के अंदर जो है वो जाकर सभी को देख सकते हैं, बस के अंदर जाकर सभी को यहां पर बधाई भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं, और यहां पर देख सकते हैं अंदर बस के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय जाकर सभी लाभार्थियों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत ज़रूर कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से। ये देख सकते हैं जो मनोहर लाल खट्टर हैं तस्वीरों में इस समय अंदर हैं, जो आपको फिलहाल दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बाहर की ओर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो नारियल जो है वो फोड़ कर शुरुआत करेंगे अभी, देख सकते हैं सभी जो योगेंद्र रैना है, रेणु बाला गुप्ता है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, देख सकते हैं नारियल फोड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत कर दी है, और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे रेणु बाला गुप्ता साथ में है, योगेंद्र राणा है, और हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए बस रवाना जो है अभी की जाएगी। तो देख सकते हैं कि जो बस है उसे रवाना करने के लिए हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा वीडियो को शेयर करें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री।
तो देख सकते हैं ये बस यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है और हरी झंडी दिखा दी गई है और सभी लाभार्थी इस समय बस के अंदर मौजूद हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरों में जाते हुए ये देख सकते हैं सभी लाभार्थी और नीचे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम सर नीचे कर लो अरे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का मित्रों जैसा हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था लंबी कहानी है अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री राम लला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाए हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस वोल्वो बस जिसमें कितने 50 से ऊपर बावन तीर्थ यात्री उनको आज रवाना किया है और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ मिलकर रात्रि ठहरा होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा सर? इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है अलग अलग स्थानों के लिए। अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है। इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 तक और 60 साल से ऊपर के लोग इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन किया। कल कुरुक्षेत्र से ट्रेन भी गई है सर, वो भी भेजी गई है अयोध्या। हाँ, अलग अलग संस्थाएँ भेज रहे हैं, कर रहे हैं। ये हमने एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसका शुभारंभ किया है। बाकी संगठन अपने अपने तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, कोई ट्रेन के द्वारा, कोई बस के द्वारा। तो ये योजना केवल सरकार के माध्यम से चलेगी, ऐसा नहीं, बाकी संगठन भी उसमें। दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है हरियाणा की लिस्ट? शायद आज मीटिंग भी है बस यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए? नहीं, पंजाब लोकसभा के लिए सर, चर्चा उसी की भी। आपने तो दूसरी लिस्ट मांगी, जो चर्चा चल रही है उसी की यात्रा लोकसभा की सर। देखिए वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम हैं बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे, आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को चर्चा चल रही है सर। हिसार या सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड, चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकते हैं। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ पार्टी, उनका अधिकार क्षेत्र है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी डिपेंड।
सर करनाल लोकसभा को क्लियर कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है सर। आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। सर एक सवाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव मनोहर की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी पर? गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का, जिस बात की गारंटी मोदी जी देते हैं हम उसका भरोसा देते हैं तो उसको पूरा कराएंगे। सर किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में पानी नहीं है और आप राजस्थान को पानी दे रहे हैं, ये सरकार की गलत नीति है। देखिए ये एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि डिमांड तो बहुत वर्षों से ये थी कि उनका जो शेयर है जो 1700 या 1900 क्यूसिक का है हथनी कुंड से, हमको हरियाणा के पानी के साथ साथ मिले। हरियाणा इसमें अपने स्टैंड पर लगातार बता रहा कि हम अपने शेयर के साथ नहीं रह सकते, हमारा शेयर पानी का पूरा होने के बाद यदि सरप्लस बचता है, खास करके वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में कई बार बाढ़ भी आ जाती है, हम देखते हैं 6 लाख 7 लाख क्यूसिक पानी भी यमुना में आता है तो यमुना के नज़दीक रहते हैं। तो ऐसा हमारा पहले उस समय जब ये समझौता हुआ था 13,000 क्यूसिक पानी था, बाद में ये फिर 18,000 क्यूसिक हुआ, अब 24,000 क्यूसिक और 6 महीने बाद हमारे जो कैरियर आप देख रहे हैं कि SOL या जो हमारी SOL नहीं WGC इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उस कैपेसिटी बढ़ी 24,000 मैक्सिमम हम उसमें से पानी विड्रा कर सकते हैं। 24,000 के बाद यदि पानी बचता है तो वो बजाय समुद्र में जाने के या बाढ़ लाने के, इसके ऊपर जो होगा वो राजस्थान उसमें से अपने शेयर को लेके जाए। सर 7 बच्चे हैं जो रशिया गए थे, 6 पंजाब के हैं, एक हरियाणा का है, आज अखबारों में भी खबर है, उनने वो टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे लेकिन वहाँ की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, कहा यूक्रेन से लड़ो वरना जेल में डाल देंगे, आपके संज्ञान में ये मामला? अभी नहीं है, आपने बताया सर। सुशील गुप्ता को जो जवाब देना होगा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा, आंकड़ों सहित दूंगा। अब संयोग से दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं किसी जिम्मेवार प्लेटफॉर्म तो करते नहीं है, कुछ भी जो नाप सुना बोलना होता बोलते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े पिछले वर्षों के भी इस वर्षों के, लगातार हर क्षेत्र में अपराध कम हो रहा है, इसलिए जब कम हो रहा है अब अपराध खत्म हो गया और कभी खत्म हो जाएगा इस विषय की तो गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन लगातार कम होने में भी हम सोचते हैं कि हमारी सफलता है कि बहुत चीज़ों को हमने क्राइम को कंट्रोल किया है। हमारे दिल्ली के आसपास जो क्राइम की गति पहले भी ज़्यादा होती थी, अभी भी 3 जिले उसको हमने कमिश्नरेट बना दिया था लेकिन झज्जर को नहीं बना पाए थे, अब घोषणा हमने कर दिया कि झज्जर को भी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस CP बैठेंगे, उनको बनाया था कि इस विषय पर और ध्यान देकर के सब। लखपति दीदी के बारे में भी सर, एक पश्चिमी बंगाल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे परिवार, तो आप देख सकते हैं अभी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उन्हें फिलहाल यहाँ से वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बता दें तो अपनी अनेक योजनाएं जो हैं उनको यहाँ पर उनका शुभारंभ पहले भी कर चुके हैं और आज फिर से सेक्टर 9 स्थित BJP कार्यालय के अंदर जो है, आपको बता दें वहाँ पर जो है पहुँचकर उन्होंने जो तीर्थ यात्रा योजना है उसकी शुरुआत करी, जिसके अंदर 52 लोग जो हैं उस बस के अंदर जो कि जाकर जो है तीर्थ जो है यानी कि अयोध्या से परसों जो है वो वापस आएंगे। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे B24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।